फन आपकी आवाज नहीं आ रही बहुत क्लियर। सो देखो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है कि आपका मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। इट गिव्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंस है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी। Like if we compare air and let's say glass, so light की speed glass में कम होती है as compared to air. तो आप कहोगे glass is optically denser than air. So ये आपको refractive index किसी भी medium की optical density बताता है। जैसे एक होती है ना density, जैसे आप कहते हो mass density, which is mass divided by volume. ये तो mass density है, mass member. हम इस density की बात नहीं कर रहे, we're talking about refractive optical density. जो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, जो आपको बताएगा कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिलेटिव। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं। इट कैन बी एब्सोल्यूट और इट कैन बी रिलेटिव। तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब। Absolute refractive index means किसी भी medium का अगर आप refractive index ले रहे हैं with respect to free space, means अगर आप air की respect में किसी भी medium का refractive index ले रहे हो, then that is absolute. अगर आप एक medium का refractive index दूसरे medium के respect में लेते हैं, जैसे glass का refractive index आपने water की respect में लिया, या आपने water का refractive index glass की respect में लिया, तो उसे आप कहोगे relative refractive index. So absolute refractive index is refractive index of medium. With respect to free space, when I say free space, that means it's either air or vacuum. It's either air or it's vacuum. Relative refractive index means refractive index of a medium with respect to another medium. With respect to another medium. एक medium का refractive index किसी और medium की respect में उसे आप कहते हो relative refractive. जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वाटर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, दैट्स रिलेटेड। गुड इवनिंग हर्षित, क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो? ठीक हो सर, आप बताइए। चल जाते जाते आप टॉपिक्स में पढ़ा, काफी दिन हो गए तुमने पढ़ा। सो ये दो तरह के, एक एब्सोल्यूट एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे, किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, इट्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम और मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। Like, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप लोगे तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट, लाइक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे लिखते हैं N21। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, दैट मीन्स दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ये मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम वन के रिस्पेक्ट। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम,
और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब आप n2 by n1 कर रहे हो सो दैट्स लैम्डा v1 by v2। और इसी को आप वेवलेंथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कुछ याद है किसी को कोई रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? वेव्स में यूज करते हो स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट में कोई रिलेशन याद है किसी को? ये रिलेशन। तो v1 by v2 को यू कैन राइट दिस एज लैम्डा 1 by लैम्डा 2। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वन, n2 by n1 व्हिच इज v1 by v2 व्हिच इज लैम्डा 1 by लैम्डा 2। और इसको भी ना आप चाहो तो वेवलेंथ की टर्म्स में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव। अब आपसे पूछता है कि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करें। याद है बताइए, ये क्लियर है इतना सब? यश कोई डाउट्स में? क्लियर है सर। आसिया कोई इशू? क्लियर है सर। अब्दुल्ला आपकी फर्स्ट क्लास है आज यहाँ? यस सर। सो सेकेंड टर्म का सिलेबस अब्दुल्ला ये समझिए बस अभी शुरू हुआ है, इससे पहले रिफ्लेक्शन कराया गया है, सो रिफ्लेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस नाउ। ओके सर। सो रिफ्रैक्शन ये चीज है, बट मेंस में आएगा रिफ्लेक्शन, सो मैं आपको करा। ओके चलिए इसको नोट कीजिए। क्लियर है सब? यस सर। एक सेकंड स्क्रॉल कर दूं, लिख लिया इतना सबने? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक से पहले देखो फैक्टर्स जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पार्ट नेचर ऑफ मीडियम। अलग अलग टाइप के मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो वो एक स्पेसिफिक कलर के लिए, आप कलर चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो वो आप लिखते हो सब येलो लाइट के, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का अगर आपको याद है 1.5, दैट इज एन एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वाटर का आपको याद है 1.33, दैट इज एन एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन फैक्टर्स को मिलके। सर
सर अभी आपने क्या बोला कि यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं वो येलो लाइट का लेते हैं, येलो लाइट का, जब आपको जो भी याद होता है ना, जैसे ग्लास का 1.5 याद होता है, सो दैट 1.5 इज फॉर अ येलो लाइट, दैट्स मीन एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर आप रेड के लिए लेंगे तो कुछ और होगा, ओके सर, ब्लू के लिए लेंगे तो कुछ और, कॉची फॉर्मूला एक पढ़ेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे. चलिए कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसको करके दिखाओ जरा मुझे. जैसे उसने कहा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज सॉरी इन मान लो इसे दिस इज 2 × 10⁸. And in water is 2.5 × 10⁸. ये speed of light given है 2 meters. मुझे calculate करके बताओ, calculate refractive index of glass with respect to water. Glass का refractive index water की respect में calculate करके दिखाइए. चलिए इतना calculate. This is a formula based thing. इसे फिर हम wavelength से भी कनेक्ट करेंगे. Calculate करिए और answer chat room में आइए. Caspel का सही है. यश आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. आसिया का ठीक है. सक्षम आप भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. 0.8 वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं, इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. देखो N2 by N1 था गया. अनुभव का सही है, हर्षद का सही है, मानस का सही है. देखो बस ये इसी चीज को कि आप एक बार रियलाइज कर लें कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है. ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. इसे आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है, इट्स 2.5 × 10⁸. ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸. देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैंसिल, इट्स 1.5. बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये हो जाती है. इसी तरह से अगर वो वेवलेंथ आपको दे दे तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें, फिर इन्हीं चीजों को ऐड करते करते TIR पर जब ले जाएगा तो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा. जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि वो आपसे कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज, मनुष्य तुम्हारा नहीं आया था सर, मैंने सेंड किया था. मैं कौन, मैं कोस्ट इन एयर इज 5000 एंगस्ट्रॉम है लाइट की वेवलेंथ एयर. कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ इन ग्लास. So again, a straight formula based thing. Glass में इसकी wavelength क्या है? और angstrom में ही कर लेना ना, कोई जरूरत नहीं. और glass का refractive index 1.5. भाई फैकल्टी को भेजिएगा ना, मैं नाम चेंज कर देता हूँ. नहीं नहीं ओके
कैस्पल का कुछ आंसर आया और आसिया का सक्षम का ठीक लग रहा है। कैस्पल एक बार चेक करना यार, कैलकुलेशन उल्टा तो नहीं कर दिया। देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखना एक बार, इस वाले को क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। कैस्पल, आसिया, हर्षित एक बार चेक कर, कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया आप लोगों ने। और बाकी लोगों के आंसर्स का क्या हुआ? यश का सही है, सक्षम का ठीक था, मनस्मन, अब्दुल्ला, अफान, लक्ष्य। सर आपको अभी भी नहीं आया मैसेज? हेलो सर। नहीं नहीं सर, मनस्मन नहीं आया, मैं फैकल्टी हूँ, इसमें दो कोर्स है ना, मैं फैकल्टी। अच्छा लक्ष्य, इसमें एंगस्ट्रॉम में ही कैलकुलेट कर दीजिए, मनस्मन गड़बड़ा रहे। नहीं भाई देखो सर, एक कॉमन मिस्टेक, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ग्लास में जो लाइट की वेवलेंथ होगी दैट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, एयर में वेवलेंथ है 5000, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सो इट विल बी 1.33333. याद रखना किसी भी मीडियम में आप जाओगे ना, एयर के कंपेरेबल स्पीड भी कम होती है, वेवलेंथ भी कम होती है, ऐसा नहीं होगा कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इसे भी लिख लीजिए, अब्दुल्ला हुआ इतना? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन का क्या, सो देखो लाइट वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, उसकी स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में चेंज की वजह से लाइट रे का पाथ चेंज हो जाएगा, एंड दैट चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेस व्हेन दे ट्रैवल ऑब्लिकली from one medium to another. जब light rays एक medium से दूसरे medium में जाएंगी तो उनके path में change आएगा, and that change is path is known as refraction. जैसे ये आपने दो medium ले लिए, this is medium of refractive index n1 and this is medium of refractive index n2. ये normal है, ये जो surfaces हैं जो दोनों medium को touch कर रही हैं इसमें normal ले लिया आपने, यहां पर ये रे इंसिडेंट कर दी, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर रिफ्रैक्शन ना होता, पाथ चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये जो रे है ना ये स्ट्रेट जाती, स्ट्रेट मूव करती अगर पाथ चेंज ना होता। लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से ये रे आपका पाथ डेविएट कर देगा, रे ऐसे चली जाएगी। ये जो पर्टिकुलर एंगल आएगा, this angle is known as angle, this is refracted ray, इसे refraction कहते हैं। कि अगर refraction ना होता तो ray straight जाती, medium change होने की वजह से path change हो गया, ray ऐसे चली गई, this is refracted ray and this phenomena is known as refraction, this is incident ray, this one is refracted ray,
This is angle of incidence. This is angle of refraction. So normal के साथ अब ये oblique incidence important है. अगर आप इसको normally incident कर देते like इस normal के along, ये जो normal है आपका, तो फिर ray refract नहीं होती, straight चली जाती है. अगर normal के along आपने incident कर दिया, but अगर ये normal के साथ कुछ angle बना रहा है, तो जरूर deviate होगा. This is known as refraction. अब देखिए, सिर्फ refraction में आप कई चीजें apply कर सकते हो. इसमें दो laws होंगे refraction के. सर मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? वेलोसिटी स्पीड का चेंज. सर तो मतलब वेलोसिटी चेंज होने से क्यों हो रहा है ऐसा? नॉर्मल के अलावा भी तो वेलोसिटी चेंज हो ही रही है ना. किसमें? अच्छा यार, ये जो आप पूछ रहे हैं एक्सप्लेनेशन, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स के थ्रू समझाया जा सकता है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है. यस सर. तो ये मैं उस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. मतलब ये क्वेश्चन तुम अपना बचा के रख लो कि क्यों ये बेंड करती है. जब हम ईएम वेव करेंगे तब मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसे. ओके सर. ये ईएम वेव की इक्वेशंस बता. फिलहाल इस लेवल पर जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि स्पीड चेंज होने की वजह से बेंड. अब देखो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में कई दो लॉस आते हैं. पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ आपसे कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग प्लेन में जाए. उसे आप लिख सकते हैं इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेस and refracted ray all line same plane. Same plane means कि अगर आपने कॉपी के प्लेन में एक्स वाई प्लेन है आपकी कॉपी का, उसमें आपने इंसिडेंट कर दिया. अगर कॉपी का प्लेन है आपका वो एक्स वाई प्लेन है, उसमें आपने लाइट को इंसिडेंट कर दिया, तो इंसिडेंट रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी, नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होगा, रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन. ऐसी नहीं होगी कि ये रे ऐसे आई और बाहर निकल गई कॉपी से. अगर मैंने कॉपी के प्लेन में ड्रॉ किया तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब कॉपी के प्लेन. ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपी के प्लेन से बाहर आ जाए. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लोगों को लगता है कि ये थ्योरेटिकल है, कभी यूज नहीं होगा. आप कुछ न्यूमेरिकल्स में से यूज करें. एटलीस्ट आपको ये पता है कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे है उसी प्लेन में. सेकेंड आता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ आपसे सिर्फ इतना कहता है कि इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया. अगर आपने कोई एक पेयर ऑफ मीडिया लिया हुआ है तो उसमें साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो चेंज नहीं करता. रेशियो चेंज ना करने का मतलब ये है कि लेट से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 10 डिग्री और मैं आपसे कहता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 12 डिग्री, तो 10 डिग्री बाय 12 डिग्री आपने लिया. आप सेम मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 से 12 कर देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप को ऐसे चेंज करेगा कि ये रेशियो अब भी सेम आ रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज करेगा, बट साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा सेम रहता है फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम. दिस इज नोन एज स्नेल्स. तो ये स्नेल्स लॉ आपको बेसिकली ये बता रहा है कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई. मींस इफ यू आर इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज, इफ यू आर डिक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज. दिस इज द स्नेल्स लॉ. साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज अ कांस्टेंट. दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इज इक्वल the refractive index of second medium, means us medium mein jahan light enter kar rahi hai with respect to first medium. It's n2 by n. So 1 n2 are these medium. Ye jo maine upar draw kiya tha, this is first medium, this is second medium. So it's always wo medium jahan light refract kar ja rahi hai divided by wo medium jahan light pehle thi.
इट्स ऑलवेज एन टू एन. अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप यहाँ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, एन टू बाई एन वन लें या एन वन बाई एन टू. सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको ना प्रोडक्ट फॉर्म में अप्लाई किया, प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे अप्लाई कर, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, एंगल ऑफ इंसिडेंस से आए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो एन वन इंटू साइन आई, एन वन मल्टीप्लाइड बाय साइन आई, ऐसे ही दूसरे मीडियम में आ जाओ. यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी एन टू मल्टीप्लाइड बाय साइन आई, तो आप लिख सकते हो कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होगा इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बाय एन. बात वही आ रही. और इट वुड बी बेटर अगर आप इसे स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर पाए. एन टू बाय एन वन को क्या लिख सकते हैं, वी वन बाय वी टू या वी टू बाय वी वन, माइनस वन, इसे क्या लिखोगे, इट्स वी वन बाय वी टू और वी टू बाय वी. अफान आप बताओगे इसे क्या लिखेंगे, एन टू बाई एन वन को क्या लिख सकते हैं, वी वन बाई वी टू और वी टू बाई वी. गुड है मैडम, लक्ष्य एन टू बाई एन वन को क्या लिख सकते हैं, वी वन बाई वी टू और वी वन बाई वी टू बाई वी वन बाई वी टू. इट्स इनवर्स प्रोपोर्शनल, इट्स वी वन बाई वी टू, राइट. और इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ. तो ये वो चीज है जहां से एक ढंग का क्वेश्चन बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ, इन सबको कंबाइन कर कर यहाँ से एक ढंग का क्वेश्चन. लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में अप्लाई करता हूँ, वरना कभी कभी गलती आ जाती है. अब एक चीज और कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या क्या चेंज करता है. भाई रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, तो रिफ्लेक्शन में वेव के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, कैस्पल बताओगे कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेव के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं. कैस्पल आवाज नहीं आ रही, कैस्पल टाइप कर दीजिए. कैस्पल बहुत ज्यादा वॉइस है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, टाइप कर दीजिए. रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, सेम रहती है रिफ्लेक्शन. मैं रिफ्लेक्शन पूछ रहा हूँ जो आपने लास्ट में पढ़ा है. देखो जब आप रिफ्लेक्शन करते हो ना, डायरेक्शन के साथ साथ फेज चेंज रहता है. रिफ्लेक्शन में स्पीड सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फेज चेंज हो जाता है. लाइट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चला जाता है जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है. लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन करोगे, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, सो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन सबसे पहले स्पीड चेंज होगी, लाइट की स्पीड सेम नहीं रहती, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती. दूसरी चीज वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड सेम रहता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी सेम रहती, ये आपको याद रखो. स्पीड चेंज करती है, वेवलेंथ चेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. और फ्रीक्वेंसी सेम रहने का मतलब है कलर सेम रहता है. लाइट का जो कलर है ना, वो वेवलेंथ नहीं, वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कलर चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो कलर चेंज नहीं. सो दैट वॉज अबाउट सम बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इतना लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए. तो रिफ्लेक्शन में याद रखिएगा, जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है देन लाइट चेंजेस बाय 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. अरे 11th में वेव्स में पढ़ा था कि जब वेव रिफ्लेक्ट करती है किसी सॉलिड बाउंड्री से तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जाता है.
एक बार क्रस्ट जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ आता है, ट्रफ जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर क्रस्ट आता है, 180 डिग्री ऑफ फेस। यस हर्षित, नहीं नहीं चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। फ्लेक्शन में तो वेव किसी और मीडियम में जा ही नहीं रही, सेम मीडियम में चेंज नहीं। आसिया नोट कर लिया था सर? यस सर। अभी मेंस का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना, एक्सपेक्टेड था मार्च में आएगा एग्जाम्स, क्या नोटिफिकेशन जे मेंस का? नो सर अभी नहीं आया। अच्छा, इसके बाद आपने सुना होगा कि अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है, डेंसर से रेयरर जा रही है अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, वो सारी चीजें आप स्नेल्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, rarer to denser medium, it bends towards norm. It bends towards the norm. तो जब ray rarer से denser जाएगी तो towards the normal bend होती है, मतलब ये है कि ये आपका medium one है, ये आपका medium two है, ये normal है, ये आपने ray को ऐसे कर कर incident कर दिया, ये N1 और ये N2। अगर मैं आपसे कह रहा हूं रेयरर से डेंसर जा रहा है, दैट मींस N इज ग्रेटर देन N, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे ये प्रिडिक्ट कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन I होगा या लेस देन I होगा। तो आप सीधे सीधे स्नेल्स लॉ पर जाइए, साइन I बाय साइन R इज N2 बाय N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, so n2 by n1 will be greater than 1. तो आप लिख सकते हो कि sin i by sin r will be greater than 1. आप लिख सकते हो कि जो sin i होगा will be greater than sin r. तो आप लिख सकते हो कि जो i होगा that's greater than r. means angle of refraction is less than the angle of incidence. ये तभी हो सकता है जब ray towards the normal bend.
अगेन ये टुवर्ड्स अ नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्नेल्स लॉ. इसी तरह से अगर मैं लिख रहा हूं रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम. तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. मीन्स ये आपका एन वन है, ये एन टू है, और मैं आपसे कह रहा हूं एन वन इज ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर देन एन टू. सो ये आपकी इंसिडेंट रे, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड करता है. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Your R will be greater than R. ये दो छोटी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए. आगे की कैलकुलेशंस मेरे डायग्राम पे थोड़ी सी आसानी है. इतना लिख लेते. स्क्रॉल करूं सर. सक्षम सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की होती है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता. मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम एयर की होती है. एयर राइट. अच्छा सो दैट वाज अबाउट बेसिक रिफ्रैक्शन. जरा देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है. मुझे नहीं पता अभी आप किस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पिछले एक साल से जो पैटर्न है ना आपके जेई का वो ये है कि इफ यू नो प्रीवियस ईयर्स ऑफ नीट एंड जेई पूरा आप जानते हो अगर पिछले 6-7 साल का, तो जेई मेंस आप क्रैक कर सकते हैं अच्छी तरह से. आई एम सेइंग क्रैक कर सकते हैं मींस 96 परसेंटाइल की ऊपर ले जा सकते हैं, बहुत मजे से ले जा सकते हैं. अगर आपने जेई और नीट प्रीवियस ईयर्स बहुत ढंग से वर्कआउट करे हो. सो लेट सी कि यहाँ कुछ नीट में दिया, जेई में तो चांसेस कम है इससे देने से क्योंकि जेई बहुत कंबाइन करके चीजें देता है. लास्ट ईयर के इतने पेपर आए थे अगर आप ढंग से एनालाइज करें, हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो उसमें ये था कि या तो जेई प्रीवियस ईयर्स या कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो नीट प्रीवियस ईयर्स से उठा के डाल दिए. तो किसी ने ढंग से वर्कआउट किया हुआ उसके लिए क्रैक करना आसान है. कैस्पर तुम कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स?
बहुत सारी 11th का जो पोर्शन है ना एटलीस्ट जो आपको रिवाइज करना है उसे आप प्रीवियस ईयर से कर लीजिए। कहाँ गया रहे हो पिक्स? रिफ्लेक्शन हो गया था, रिफ्रैक्शन, सारा क्वेश्चन ना TIR पर आता है। इसे करना यार, ये वाला 11 देखना होता है, जल्दी से कर दो इसे, क्या रहा है आंसर? सिर्फ इतने पोर्शन से तो कम है ज्यादातर क्वेश्चंस। हाँ बस कैस्पर इसी को कर दो, बहुत है 11th करिए, बाकी सब में तो TIR ही। इसे कर दो जल्दी से, मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। पर एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर रेगुलर करते हैं, आपको एग्जाम के पैटर्न का पता होता है, आपको पता होता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। 11th का ऑप्शन बता दो जल्दी से। चलो मानस का आया कुछ, सिर्फ एक मानस का है। चलो यश का आया, और इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी तो करा है आपने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सम रिलेशंस। कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई डेटा मिसिंग है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके अनुभव का भी सब सेम आ रहे थे। आसिया, लक्ष्य, फान, ओके आसिया, चलो आसिया को पूछा लगाया ठीक। लक्ष्य का भी वही सेक्शन। कैस्पर आया कुछ? देखो अनुभव अभी आ गया। अरे भाई सुनो, देखो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो जब आप इसे वर्कआउट करोगे तो ये एक इशू दिखेगा आपको कि वैक्यूम में तो वेवलेंथ दी नहीं है, ये तो दिया ही नहीं है, मीडियम में वेवलेंथ दी हुई है 5000। तो आप वैक्यूम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको पता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो सब कुछ चेंज कर सकता है सिवाय फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। आप इसे लिख लो C is equal to new lambda, एयर में आपको lambda चाहिए, lambda क्या होगा C by new, एयर में स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, एयर में फ्रीक्वेंसी, देखो ये फ्रीक्वेंसी दी है मीडियम में लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, तो यहाँ भी इतनी होगी, तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁸ - 14 - कितना आएगा ये 8 - 14 कितना होगा -6, तो ये वेवलेंथ आ गई आपकी, ये जो अननोन था दिस इज 1.5 × 10⁻⁶, और यहां भी एक्स्ट्रा हटा देते हैं तो × 10⁻⁰ आ जाए, तो ये कितना आ गया 0.53, बी करेक्ट। समझ में आया? जिन लोगों को गड़बड़ हो रहा था अनुभव पहले सही था, बाद में गलत कर लिया। यस सर। अब ठीक है?
और तो कुछ नहीं है, जस्ट एक बार मुझे चाहिए एक और सेट का। लिख लिया था आप लोगों ने, प्लीज क्वेश्चन लिख लेना यार, या तो क्वेश्चन नंबर लिख लो और इसे डाउनलोड कर लेना, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, या क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, ईयर लिख लो, नेक्स्ट देखिए जेई में कुछ दिया हुआ क्या करा था। बस मैं क्लास मिस लेकर आता हूँ आपको, एक बार आदत पड़ जाना है बुक्स की तो कमिंग एंट्रेंस आपका आसान हो जाएगा। इसे ट्राई करो, इसमें ऑल्दो ऑप्टिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है बट स्कैन भी इसे करिए, फिफ्थ करिए, क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन लिखिएगा इसे, इसमें ऑप्टिकल डेप्थ यूज होगा लेकिन ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसे आपको यूज करना, सीख जाओगे आप ऑप्टिकल पाथ कैसे यूज करते। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लिख लिया आपने, सर एक सेकंड नीचे हो गया। देखिए ऑप्टिकल पाथ के लिए ना सिर्फ आपको इतना काम कैलकुलेट करना है, आप यहां से AO कैलकुलेट करो, AO लेंथ कितनी होगी प्लस, ये तो वैक्यूम में ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ सिंपल होता है, इसको ऐसे याद रखना, ऑप्टिकल जो पाथ होता है किसी भी मीडियम में, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम multiplied by the geometrical path, multiplied by the geometrical path. So देखिए ये A से लेकर O तक travel कर रही है, वैक्यूम में refractive index सेम रहता है, तो आप किसी तरह से AO calculate कर लो, I guess काफी angles दिए हैं आपको AO calculate करने के लिए, फिर आप glass का refractive index calculate कर लो, इतना data दिया है कि आप refractive index calculate कर सकते हैं, फिर आप OB कैलकुलेट करो, इफ यू हैव OA, ये गिवन है आपको ना, इतना पोर्शन A दिया हुआ है, इतना पोर्शन B दिया हुआ है, अगर आप OA OB कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका ऑप्टिकल पाथ होगा OA प्लस म्यू टाइम्स, करिए जरा सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। ऑल्दो ये ऑप्टिकल पाथ है तो वेव ऑप्टिक्स का, लेकिन इसने यहां दे दिया है तो यहीं करो, और मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है।
चाहे किसी का आंसर, अब तो सिंपल ज्योमेट्री रह जाती है. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस जिस मीडियम की आप, सॉरी मैंने एन से लिखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में भी आप दे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके. कैस्पल का कुछ आया आंसर, और किसी का आंसर? दो मिनट लगेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की पट्टी यूज करो और कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है तुम्हारा ए ओ ए ओ और बी ओ. स्नेल्स लॉ यूज कर कर कैलकुलेट कर लीजिए. ओके सक्षम का आया और कैस्पल का, और आंसर्स? और आंसर्स किसी के? यश अब्दुल्ला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ठीक है देखिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये 60 डिग्री है तो यहां से आप लोगे सो दैट विल बी 30 डिग्री. आपको ए ओ चाहिए और ये परपेंडिकुलर है, आप यूज कर सकते हैं साइन 30 विल बी ए ओ. साइन 30 इज ए ओ डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट्स ए बाय ए ओ. साइन 30 इज हाफ, इट्स ए बाय ए ओ. तो यहां से आपको ए ओ मिल गया AO to AR. आ गया. चलिए यहाँ का पात आ गया. अब ये देखो ओ बी निकाल लें, साइन 30 ये बी दिया हुआ है इतना, तो आप यूज कर लो कॉस 30 इज बेस है ना ये बी, कॉस 30 इज बेस विच इज स्मॉल बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज, कॉस 30 कितना हो जाएगा रूट 3 बाय 2 विच इज बी बाय ओ. So, यहां से आपका ओ बी आ गया, इट्स टू बी डिवाइडेड बाय रूट 3. अब आपका सिर्फ इतना काम है किसी तरह से आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल. तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्नेल्स लॉ लगा दीजिए. वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 इंटू साइन 60. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, इंटू साइन 30. साइन 60 कितना हो जाता है रूट 3 बाई 2. साइन 30 इज हाफ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया दैट्स रूट 3. तो जो ऑप्टिकल पाथ है ना, ये ऑप्टिकल पाथ, हाँ, तो ऑप्टिकल पाथ होगा 1 इंटू ए ओ, क्योंकि वैक्यूम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय ए ओ कितना है 2a, रूट 3. ओ बी कितना है? ओ बी है 2b बाय रूट 3. ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2a प्लस 2, दिस इज. हाँ जी अब बताइए क्लियर है? यस सर. असल में ये जो ऑप्टिकल पाथ है ना, ये बेसिकली बता रहा है अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो रे इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती. सिंपल ऑप्टिकल पाथ पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, जब आप इंटरफेरेंस करोगे तब ये ऑप्टिकल पाथ आएगा, बट इसने यहाँ पूछ लिया तो इट्स सिंपल म्यू मल्टीप्लाइड बाय द ज्योमेट्रिकल पाथ, दैट्स इट. हो सकता है आगे और कई जगह आप यूज कर. हाँ जी यश क्लियर है अब? यस सर. लिख लीजिए सक्षम, नहीं सक्षम का तो हो गया था, माइनस वन हुआ.
चाहिए फिर डिनर करने के होगा। हर्षित यस सर हो गया। चलिए जी इतना लिख लिया आपने, और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस है ना उसमें TIR का कॉन्सेप्ट यूज होगा, नहीं आ सकता है TIR का कॉन्सेप्ट यूज, लिख लो इतना फिर करते हैं। डन सर। सबने लिख लिया ना? यस यस सर। बैक टू थ्योरी। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ना ये याद रखना, आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो पढ़ो थ्योरी, चाहे आप रिवीजन ही कर रहे हो 11th का, कम बैक टू नीट प्रीवियस इयर्स करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा वो आपका, एंड कम टू जे प्रीवियस इयर्स। बस आप थ्योरी करने का एक ही मोटिव होना चाहिए और कुछ नहीं, ये प्रीवियस इयर्स सॉल्व हो रहा है, आपको पैटर्न का अंदाजा होगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि ओके ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, रैंक करना आसान, रैंक बनाना आसान है। ओके सो दिस इज ओवर, द नेक्स्ट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद कुछ करेंगे हम। इसमें प्रॉपर्टीज बहुत हैं, थियोरेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्रैक्ट करते करते ये रिफ्लेक्शन कैसे आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR में क्या होगा, पहले कंडीशंस देख लो TIR के लिए, फिर मैं समझा दूंगा कंडीशंस फॉर TIR। अगर एक रे TIR में है तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, पहली कंडीशन रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रे को हर हाल में डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना है, उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि रेयर से डेंसर चली जाए, इट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पहली चीज। दूसरी चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, इसलिए मैं सबको मतलब क्या ये टेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम, सो टेंसर मीडियम इज एटी, रेयर मीडियम इज एना, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये ऐसे ट्रैवल कर रही, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा और दिखाते हैं इसको बेंडिंग, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, this is angle of refraction. आप angle of incidence increase करोगे तो angle of refraction increase करेगा, means ये ray कुछ ऐसे rotate करे, on increasing angle of incidence your angle of refraction will increase, ये ray कुछ और bend करती चली जाएगी, और increase करते करते angle of incidence, एक angle of incidence ऐसा आता है जिसे आप कहते हो critical angle, कि ये ray ऐसे graze करने लगी surface, means यहाँ जो angle of refraction होगा that angle of refraction will be 90, इस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, रे सरफेस पर ग्रेज करने लगे, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से एक्सीड करो, अगर आप कहते हो दैट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देखो ये रे ऐसे रोटेट कर रही है ना, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम,
सेम मीडियम में आती है। सो यहां पर ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन हो गया, इसे कहते हैं TIR। सो इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट्स TIR। और TIR में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा, इट्स रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया। अब तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज यूज होंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज यूज होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। बट इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। द फर्स्ट कंडीशन इज रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो दैट्स TIR। अब वो आपसे कहता है अच्छा TIR तो हो गया, अब जरा कैलकुलेट करके बताओ क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन। सो लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ, सिंपल स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। R is equal to I, laws of reflection. Reflection हो गया ना, तो law of reflection follow होगा, angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay sir. अब next देखिए Snell's law. Snell's law कहता है, यहाँ पर Snell's law में apply करो. So denser medium multiplied by sin c, rarer medium multiplied by sin 90. तो आप लिख सकते हो कि साइन सी जो होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। जैसे आप लिख सकते हैं इट्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो आप लिख सकते हो साइन सी होगा 1 बाय डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। सो ऐसे आप सी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल हो जाएगा sin inverse 1 by NTR. So this is TIR and this is critical angle of TIR. Chaliye, likhiye. सर नीचे कर दो। सो TIR सिर्फ ये कहता है कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट्स TIR। सर हमने ये स्नेल्स लॉ कब अप्लाई किया है? स्नेल्स लॉ यहाँ क्योंकि मुझे क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन चाहिए। ये रहा क्रिटिकल एंगल और ये रहा रिफ्रैक्टिव। मतलब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर लिया है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल। सर लेकिन फिर अभी तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, अभी तो सरफेस के ऊपर से जा रही है ना? हाँ, तो इसीलिए मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, रिफ्रैक्शन है ना, देखो रिफ्रैक्शन ही तो हुआ, रे ऐसे गई और दूसरे मीडियम में आ गई, दिस इज रिफ्रैक्शन, ग्रेस का रेस मीडियम को छोड़ दिया, ये ना ये वाली रे रिफ्रैक्ट करते 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 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर आ गई, सिर्फ रिफ्रैक्शन, यहां जाके रिफ्लेक्शन। तो यहां आप लगा सकते हैं सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर और रेयर दोनों का लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का आएगा ना, डेंसर मीडियम का भी और रेयर मीडियम का भी। सो वी आर डूइंग डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ओके सर।
अब ये ना एक नॉर्मल कन्वेंशन है कि वी ऑलवेज राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम. रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर कम लिखते हैं, ज्यादातर डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर लिखते हैं. अब इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ ना कभी कभी एंगल ऑफ डेविएशन पूछ ले रहा है. एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्दो एनसीईआरटी ने तो डिस्कस नहीं किया, बट कभी कभी एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेता है रिफ्रैक्शन. तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या है, ये दो मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है. दिस इज मीडियम वन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, दिस इज मीडियम टू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू. सो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर रही है ऐसे. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो ये और रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा सकती थी, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, बट ये एक्चुअल पाथ से कुछ डेविएट कर रही है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. कई न्यूमेरिकल्स में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ आपसे एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछ लेगा, दैट्स एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन को आप आई और आर के टर्म्स में लिख सकते हैं. देखो ये नॉर्मल, ये जो पूरा एंगल होगा ये वाला, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो डेविएशन देखो, अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये जो ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यही लाइन है जो स्ट्रेट जा रही है, तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस. आपको बताएगा मुझे आई आर और डेल्टा में रिलेशन कुछ दिख रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल बचेगा, दैट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो कभी-कभी ऐसा भी करता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो आपसे डेविएशन पूछ लेता है. लिख लीजिए कितना डेविएट हुई ओरिजिनल पाथ से, बेसिकली ये. और डेविएशन सिर्फ इसमें नहीं है, रिफ्रैक्शन में नहीं, इवन रिफ्लेक्शन जब आप मिरर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आपसे पूछता है डेविएट कितना हो रही है लाइट रे, वहां थोड़ा सा अलग आता है डेविएशन, यहाँ पर आर माइनस आया. लिख लीजिए और मैं अभी तो 9 बजे ही छोड़ूंगा, मतलब नेक्स्ट फ्यू क्लासेस से मैं कोशिश करूंगा कि जो टाइम है आपका वो गिराकर उसे स्टैंडर्ड में 7:30 तक ले आऊं, ताकि 7:30 टू 9 क्लास हो और फिर आप फ्री. और मे बी संडे ना, एक आध संडे में यूज करूंगा, ऑल्दो सिलेबस तो सेकंड टर्म का बहुत कम होता है, लेकिन कुछ चीजें और करनी है. जल्दी जितने जल्दी ऑप्टिक्स खत्म हो जाए उतना जल्दी आपका रिविजन शुरू हो जाएगा मेंस के लिए. सो मे बी आपका संडे अब से फ्री ना हो, संडे आपकी क्लास होगी. आज तो मुझे से यहीं छोड़ना होगा. थैंक यू सर. चलो ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर.